तो दोस्तों गली के कुत्तों के अंदर शर्त लगती है कि कौन सबसे ज़्यादा लोगों को काटेगा। जो सबसे ज़्यादा लोगों को काटेगा उसे कुमकुम कुतिया के साथ गोवा का हनीमून पैकेज मिलेगा रिमझिम होटल के अंदर। सारे कुत्ते शर्त के दस्तावेजों पर साइन कर देते हैं और जो कंपटीशन है वो अगली सुबह शुरू होना था, लेकिन गली का सबसे दमदार, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर कुत्ता, लेकिन सबसे कम दिमाग वाला ब्लॉन्ड कुत्ता लोगों के घरों में रात को 3 बजे ही घुस जाता है और चुपचाप लोगों को काट काट कर भागने लगता है, उनकी रजाइयों में घुस जाता है और काट कर भाग जाता है। पूरी गली के अंदर हाहाकार मच जाता है कि झबरू पागल हो गया है और झबरू को पीट पीट कर पागल खाने भेज देती है पूरी गली। तो जिस तरीके से झबरू की हवाबाजी उसे भारी पड़ती है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी कोई हवाबाजी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि भैया मोदी मुझसे मिले थे 2 हफ्ते पहले और मुझसे कह रहे थे भैया तुम तो पुरुष ही नहीं, तुम तो महापुरुष हो, कश्मीर का मुद्दा तुम ही सॉल्व कर सकते हो, मिडलमैन बन जाओ। लेकिन ये कितना बड़ा झूठ है इस वीडियो में हम आपको साबित करके दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप सलवार कमीज पहने हुए मलिनिया ट्रंप जैसे दिखने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ कश्मीर मुद्दे पर बैठकर क्या बात कर रहे हैं, जरा पहले वो सुनिए। So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago and we talked about this subject and he actually said would you like to be a mediator or arbitrator? I said where? He said Kashmir. Because this has been going on for many many years. I was surprised at how long it's been going on along. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe. Two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over a billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be resolved. So, but he asked me the same thing, so I think there's something. So maybe we'll speak to him or I'll speak to him and we'll see if we can do so. Mr. President, because I've heard so much about Kashmir. Yes. Such a beautiful name. It's supposed to be such a beautiful part of the world, but right now there's just bombs all over the place. They say everywhere you go you have bombs and it's a terrible situation. Been going on for many years. If I can do anything to help that, let me know. Let me give you one thing on Afghanistan. यानी इस दरियाई घोड़े को महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ हांकने की जिम्मेदारी मिली थी और ये खबर सुनते ही अचानक से भारत के सारे लिब्रांडूस को ऑर्गेजम्स आने लगे और वो इस खबर को जबरदस्त तरीके से फैलाने लगे। राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि भैया ट्रंप ने ना मोदी को बाउंसर मारा है, वो भी देर रात को। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को या तो एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ेगी या डोनाल्ड ट्रंप को झूठा कहना पड़ेगा, और इनकी खुशी इस बात से दिख रही है जो इन्होंने लास्ट में स्माइल यूज़ की है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने राजू की सुन ली और ट्रंप को झूठा कह दिया। रवीश कुमार जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करते हैं, वो कौन जात है वाले नहीं, उनका बयान आ गया कि भैया ट्रंप ना झूठ बोल रहा है। लेकिन इस बयान के बावजूद भी भारत के लिब्रांडूज लगे रहे। रोहिणी सिंह इस बयान के बावजूद भी लगी रही उल्टे सीधे बयानों को रिट्वीट करने में। राहुल गांधी भी लगे रहे दूध के अंदर घी को मिलाने में, लेकिन दूध के ऊपर घी जो है वो तैरता रहा, क्योंकि एक के बाद एक सबूत आते रहे कि भैया दरियाई घोड़ा जो है ना वो झूठ बोल रहा है। पहला सबूत आपको दिखा रहा हूं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी का संसद के अंदर बयान, ये जरा सुनिए। यस्टरडे इवनिंग आफ्टर द हाउस हैड अजर्न्ड वी हर्ड रिमार्क्स बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन अ मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑफ पाकिस्तान टू द प्रेस दैट ही इज रेडी टू मीडिएट इफ रिक्वेस्टेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान on Kashmir issue. I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. I repeat, no such request was made by the Prime Minister to the US President. I would, sir, also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. I would further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Sir, let me conclude by emphasizing
that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. I hope, in the view of my very specific and categorical responses, that there is no confusion in the mind of anybody on this. अब बेसिकली भाई तो हमारे देश के मिनिस्टर हैं तो हो सकता है झूठ भी बोल रहे हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए, लेकिन अब हम आपको डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप का बयान सुनाते हैं। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब G20 देशों की मीटिंग हो रही थी ओसाका में दो हफ्ते के करीब पहले, उस समय मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मोदी ने कहा था भैया कश्मीर समस्या जो है उसमें आप बीच में पड़ जाओ और इसको सॉल्व कर दो। लेकिन जब यह मीटिंग हुई थी दोनों देशों के बीच में, उस समय उस मीटिंग के बाद इवांका ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी करीब दो हफ्ते पहले डायरेक्टली इस मीटिंग के बाद, वो आपको सुनवाता हूँ, जरा सुनिए। We are here at the G20 in Osaka, and the Prime Minister Modi and Prime Minister Abe just concluded a meeting with the President talking about 5G technology, particularly with a focus on its security implications. Really important meeting, and lay the foundation for a subsequent productive conversation, a one-on-one meeting between the President and Prime Minister Modi, where the same issues were covered, of course, 5G, as well as the trade relationship between the United States and India, a critical trading partner and a critical security partner and a critical ally. So it was a productive discussion. Everything from Iran to national security was covered by the President and the US delegation with their Indian counterparts. And it's been a productive morning, to say the least. तो भैया सुना आपने, सुंदरी कह रही है कि भैया 5G के मुद्दों पर बात हुई है और ट्रेडिंग मुद्दों पर बात हुई है इंडिया के साथ, जो कि हमारा ट्रेडिंग अलाई है और सिक्योरिटी अलाई है। इसके अलावा हमने ईरान पर बात की है और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर बात की है। ईरान का नाम ले लिया लेकिन कश्मीर का नाम नहीं लिया, यानी कश्मीर पर डिस्कशन ही नहीं हुआ। अब जरा आप स्क्रीन पर देखिए, यूएस के एक कांग्रेसमैन है, इनका बयान देखिए। वो बेसिकली कह रहे हैं कि भैया हमारा जो ट्रंप हुआ है वो गांजा पीकर कुछ बोल गया है, हमें तो पता नहीं है क्या क्या बोल जाता है, और जो भी साउथ एशिया पॉलिटिक्स को जानता है वो जानता है कि मोदी ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन भाई ये जो यूएस का कांग्रेसमैन है ये ट्रंप के खिलाफ भी तो हो सकता है, तो जरा ये देखिए, रिकॉर्ड बताते हैं कि भैया इस प्रकार का कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है। G20 देशों का जब सम्मेलन हो रहा था तो ये मीटिंग हुई थी, तो उसके रिकॉर्ड लिए गए थे और यूएस और भारत ने जो ये रिकॉर्ड हैं वो चेक किए हैं और उसमें कोई भी इस प्रकार का डिस्कशन नहीं पाया गया। और यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भारत को अनऑफिशियली बताया भी है कि भैया हमारा जो दरियाई घोड़ा है ना वो नशे में कुछ कुछ बोल गया है, अब आप प्लीज संभाल लो। और इस बात का सबूत देखिए ये ट्वीट जो कि किया गया है एलिस वेल्स के द्वारा, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं साउथ एशिया अफेयर्स के। अब बेसिकली ट्रंप का फैलाया हुआ रायता समझा रहे हैं, साफ कर रहे हैं और बेसिकली कह रहे हैं कि भैया कश्मीर का जो मुद्दा है वो तो बायलेटरल मुद्दा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान यदि चाहेंगे तो ट्रंप जो है इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा जो है वो बायलेटरल है। मतलब गजब आदमी है भाई, ऐसा दरियाई घोड़ा मैंने पहली बार देखा है जो अपनी नाक से दूर तक पानी फेंक देता है। छठी क्लास में मैं भी इसी प्रकार से बाहुबली खुद को समझ कर लंबी लंबी छोड़ता था, लेकिन यह आदमी तो छठी क्लास से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले यह आदमी कह रहा था कि हाफिज सईद को 10 साल तक लगातार ढूंढने के बाद पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया है, हमने 2 साल तक पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया है, इस वजह से ऐसा हुआ है। इस आत्मुक दरियाई घोड़े को यह नहीं पता कि भैया जो हाफिज सईद है ना वो इस बार इलेक्शन लड़ा है पाकिस्तान के अंदर, जो 10 साल से छुपा बैठा था आदमी वो इस बार पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ा है और इस प्रकार से हवाई जहाजों में घूम रहा था ये भाई 72 बहनों का दीवाना। उस समय भी यूएस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने ट्रंप को ठीक किया था, कहा था भाई देवसेना 3 तीर एक साथ मत चलाओ, पहले सीख लो उसके बाद चलाना, लेकिन देवसेना भैया कहां मानने वाली थी। एक रोहिंग्या समाज का आदमी ट्रंप के पास पहुंच जाता है, कहता है भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। ट्रंप भाई साहब कहते हैं ये रोहिंग्या कहां पड़ता है। आई एम अ रोहिंग्या फ्रॉम बांग्लादेश रिफ्यूजी कैंप, सो मोस्ट ऑफ द रोहिंग्या रिफ्यूजीज आर विलिंग टू गो बैक होम एज क्विकली एज पॉसिबल, सो व्हाट इज अ प्लान टू हेल्प अस। सो थैंक यू वेरी मच। वेयर इज दैट एग्जैक्टली? वेयर? Bangladesh, right next to Burma. The Rohingya have been run out. तो ये भैया हमारा यूएस का प्रेसिडेंट स्कूल लेवल की अफवाहों पर भुट्टा भूनकर खा जाता है, लेकिन हवाबाजी की इस ऋतु के अंदर ये भुट्टे कब तक भूने जाएंगे भैया हमें नहीं पता। आई एम टू इनोसेंट टू नो दैट। लेकिन अगर आपको पता है
तो कमेंट करके हमें बताइए इस बारे में कि भैया ये चल क्या रहा है, आखिर ट्रंप आखिर कहना क्या चाहते हैं और ऐसा झूठ उन्होंने क्यों बोला। इसके अलावा यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं, एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देख सकते हैं, आपका सपोर्ट काफ़ी वांछनीय है ताकि हम एक स्टेप आगे बढ़ सकें आपकी मदद के द्वारा। इसके अलावा मेरे भाई आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दिए हैं पहले से ही। और आप हमें सपोर्ट करिए हर तरीके से, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।